सिबिया मेडिकल सेंटर दी यूट्यूब चैनल विच आप जी का स्वागत है। अज आप गल करांगे कुछ अहम गल्लां कोविड दे बारे। कोविड यानी कोरोना जो आप आम कहने हैं उसकी सैकेंड वेव आ गई हैगी। रोज टेलीफोन आ रहे हैं किसी नूं बुखार हो गया, किसी का गला खराब हो गया, किसी का पेट खराब हो गया, ते कोई साडा जान पहचान वाला हस्पताल विच पहुंच गया। ते बहुत जरूरी है कि आप कुछ अहम गल्लां जानिए कोरोना दे बारे कि आप अपने आप के बचाव लई की करना चाहिए है। सब तो पहले तो आप कुछ लक्षण पता होने चाहिए है। कोरोना दे विच कोविड 19 दे विच बुखार हो सकता है, गला खराब हो सकता है, किसी का पेट खराब हो सकता है, ये सब तो कॉमन ये गल्लां हैगियां। ते आपां नूं चाहिदा हैगा कि आपां घर दे विच एक थर्मामीटर रखिए जिहड़ा कि बहुत सस्ता हुंदा हैगा, ते एक पल्स ऑक्सीमीटर रखिए वह भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं हुंदा हैगा। अज आपां गल करांगे कि जिहड़ा पल्स ऑक्सीमीटर हैगा उहनूं किस तरह इस्तेमाल करीदा हैगा। जिहड़ा पल्स ऑक्सीमीटर आ उह आम तौर ते एक डब्बी दे विच आउंदा हैगा। ते जदों आपां इह डब्बी नूं खोलदे आ ते उहदे विच कुछ चीजां हुंदियां हैगियां। इक तां हैगा जिहड़ा पल्स ऑक्सीमीटर हुंदा, एक इहदे नाल स्लिंग हुंदा हैगा उहदे विच पाउण दे लई, ते नाल सैल हुंदे हैगे पल्स ऑक्सीमीटर दे विच पाउण दे लई। सब तो पहले जिहड़ा पल्स ऑक्सीमीटर हैगा उहनूं उहदे लिफाफे तों कड्ढो, ते पिछे जिहड़ी जगह हैगी सैल पाउण वाली उहनूं खोलिया जाए। ਉਹ ਖੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਲਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਧਾਗਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। जो दिल के रोगी बाईपास सर्जरी, स्टेंट या एंजियोप्लास्टी के योग्य नहीं, बाईपास फेल हो गया हो या करवाना नहीं चाहते, उनके लिए FDA अमेरिका प्रमाणित ECP और आर्टेरियल डिजीज क्लिनिक लंदन तकनीक अनुसार ACT कीलेशन थेरेपी उपलब्ध है। इस इलाज प्रणाली द्वारा दिल के दर्द तथा एंजाइना से राहत मिलती है। कि पल्स ऑक्सीमीटर किस तरह इस्तेमाल करी जाएगा। सब तो पहले तो थोड़ी अपनी तैयारी, हाथ साफ हो, कोई ओदे तेर ना लग्या होवे, कोई गिले ना होन, कोई ठंडे ना होन। ये ठंड हैगी बहुत ज्यादा, हाथ थोड़ा जा मल लो ताकि सर्कुलेशन ठीक हो जाए। हथा दे उत्ते स्पेशली नौ दे उत्ते कोई मेहंदी ना लगी होवे, कोई रंग ना लग्या होवे, कोई नेल पॉलिश ना लगी होवे। ओदे बाद जिहड़ा पल्स ऑक्सीमीटर आ उहनूं एक पासे दब के ओदे विच उंगल पा दित्ती जांदी हैगी, ते आ जिहड़ी स्विच हैगी इहनूं दबिया जांदा हैगा, ते वेट करीदा हैगा जद कि यह स्टेबल हो जाए। आम तौर ते अद्धे मिनट के करीब टाइम लगता हैगा, ते उस वक्त जेड़ा पल्स ऑक्सीमीटर हैगा अपनी पल्स ते ऑक्सीजन लेवल इन्हां नूं मेजर करता हैगा। जेड़ी पल्स हैगी ओ नॉर्मली 70-80 दे विच होनी चाहीदी हैगी, ते जेड़ी ऑक्सीजन लेवल हैगी ओ 95-100 दे विच सही हुंदी आ। इहदी एक्यूरेसी जेड़ी हैगी ओ प्लस माइनस 2 यूनिट्स हैगी, मतलब जे 95 ते 2 उत्ते या 2 हेठा हो सकती हैगी, ते 100% एक्यूरेट नूं ना समझिया जाए। पल्स ऑक्सीमेट्री कोरोना का टेस्ट नहीं हैगा, ये सिर्फ अपना ऑक्सीजन लेवल ते पल्स दसदी हैगी। ते जिहड़ा ऑक्सीजन लेवल आ इहदी इंपोर्टेंस कोरोना च यह हैगी कि जे कोरोना होवे ते ज्यादा इफेक्ट कर रहा होवे लंग्स नूं,
ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਵੀਅਰ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ 95 to 100 ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਜੇ 90 to 95 ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜੇ 90 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈਏ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੋਂ 80 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਘਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੰਘ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਵੀ 90 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। 100 ਚੋਂ 20 ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਸਪਿਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 18 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 18-19 ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 1-2% ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟਿਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ, ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।